हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लैंड फार्मा स्टॉक के बारे में और हम इस स्टॉक पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर मैं बात करूं स्टॉक कितना गिरा है, तो अभी मैं वीकली चार्ट पर जाऊँगा, इससे तो क्लियर हो नहीं पा रहा। हम वीकली चार्ट पर जाएंगे तो वीकली चार्ट पर हम देखेंगे कि स्टॉक में कितनी गिरावट अब तक हो चुकी। अरे वाह, अपने लिस्टिंग से भी स्टॉक नीचे चला गया है, तो अब क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं स्टॉक की अभी अपने हाई से जो गिरावट स्टॉक में है कितनी है वो मैं बता देता हूं आपको। यहां से अगर हाई से गिरावट की बात करें तो स्टॉक अभी वर्तमान में लगभग 76% गिरावट पर है। तो अब स्टॉक में क्या होगा, क्या खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है और नीचे ऊपर आने की कोई संभावना कहीं से कहीं तक भी नहीं दिख रही। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता हूँ, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकते हैं स्टॉक के लिए। अहम रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो खड़ा है वो लगभग 1150 रुपए के आसपास है। ठीक है, 1150 में भी 1164 रुपए पर रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं यहाँ सपोर्ट की बात करूं तो आपको 890 रुपए के आसपास सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अब आप क्या करें इसमें, तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक से दूर रहें। अगर आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है 1164 रुपए से, तो आपको लगभग टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट आपको लगभग 1430 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन अभी कोई संभावना स्टॉक में ऊपर जाने की नहीं दिख रही है, क्योंकि स्टॉक ऊपर तो जा रहा है लेकिन रेजिस्टेंस लेकर फिर वापस आ सकता है। तो इसलिए गलती ना करें और गलती से भी स्टॉक में ना घुसें, क्योंकि आप फंस सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदारी करने की। पहला टारगेट 1432, फिर 1600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी दूर रहें, ब्रेकआउट होने पर ही खरीदारी करें, उससे पहले कोई खरीदारी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।